नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया दैत में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं आलू के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर किया करो और वीडियो को लाइक किया करो अगर आपको पसंद आए तो। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं लेकर आया हूँ क्योंकि मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक इसी बात के लिए फ़ोन आ रहे हैं कि शर्मा जी, इसलिए मुझे मजबूरी में बनाना पड़ रहा है ये वीडियो कि 100 दिन का हमारा आलू हो गया, आलू फूला नहीं है, गुल्ला है, आलू में क्या करें अब हम। तो हर किसान की यही एक मतलब सवाल है मेरे लिए कि बार बार इसी बात के लिए फ़ोन आ रहे हैं। तो मैंने सोचा मैंने उसके बारे में एक पूरा वीडियो, आज मैं वैसे गैप कर रहा था, वीडियो नहीं बना रहा था, पर मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाकर डाल दूं आप सभी लोगों के लिए, जिससे जिन लोगों का आलू 100 दिन का हो चुका है और उन लोगों के मन में ये है कि कहीं ऐसा मतलब आलू मेरा गुल्ला है, आलू फूला नहीं है और ये सब चीज़ें हैं, तो इनके क्या हो सकता है। लोग चाह रहे हैं कि हमारा बहुत जल्दी आलू बड़ा बड़ा हो जाए। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस समय पौधा 100 दिन का जब आलू हो जाता है तो पौधा एकदम हो जाता है, मतलब जैसे आदमी हो गया 100 साल का, ये मान लो 90 साल का। तो अगर उसको आप लोग कह रहे हैं कि शर्मा 0050 लगा दें, कुछ कह रहे हैं कि टबोली लगा दें, कुछ कह रहे हैं कि कल्टार लगा दें, फूल नहीं रहा, तो उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। दुकानदार किसी के पास आप जाओगे कोई मना करेगा नहीं, उसको तो दवाएँ बच गई हैं, उसे तो बेचनी है, चाहे 0050 रखी हो, चाहे कोई टॉनिक रखा हो, चाहे कोई हो, उन्हें तो दवा किसानों को देनी है, वो कोई तुमसे मना नहीं करेगा कि मत लगाओ। पर इस समय मैं आपको बता देता हूँ कि 100 दिन के आलू या 95 दिन के आलू में मैंने बहुत से किसान ऐसे देखे हैं जो स्प्रे कर रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई इससे फ़ायदा होगा नहीं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे बढ़िया अगर किसी का 90 दिन का आलू है, किसी की फसल 80 से 85 दिन की भी हुई है, तो 80 से 85 वालों को आप 0050 उसमें और बोरॉन लगा सकते हो, और साथ में चाहो तो मैनकोजेब लगा सकते हो 750 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। मैं बार बार बताता जा रहा हूँ आप सभी लोगों को, 0050 आप लगा सकते हो अगर नहीं आपने लगाई है, 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से, ठीक है, उसको लगा सकते हो जो SOP आती है। और जिन लोगों का 100 दिन का आलू हो गया, 100 से ऊपर चल रहा है, उनको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग इंतजार करें। इस बार दोस्तों मौसम अनुकूल मिला नहीं है आलू को, इसलिए थोड़ा सा फुलाव में दिक्कत आ रही है, और मैं अपने आलू की कहूँ तो मेरे में भी यही दिक्कत आ रही है फुलाव के मामले में, और खेत एकदम पीलेपन से आ गया है खेत, और उसमें क्या आप लगा के एक बार बताओ, पौधे को अगर आप अभी निकाल के देखोगे तो उसकी जड़ काली होना शुरू हो गई होगी, और जड़ काली जब होना शुरू हो जाती है तो कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट या कोई भी टॉनिक आप डालोगे तो पौधा जल जाएगा, काम करेगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जो जड़ से लेके पत्ते तक का जो अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है तने में, वो तना काला पड़ रहा है, अगर उसमें ज़्यादा तुम डोज दे दोगे तो काला, जब भी काली जड़ या जड़ गलन होती है तो उसमें टॉनिक वगैरह कोई लगाया नहीं जाता, पौधा इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो हैवी झेल ही नहीं पाएगा वो कोई हैवी डोज, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस चीज़ को आप बेहद ध्यान रखें, मैं बार बार आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, बहुत लोगों ने डिमांड की शर्मा जी एक वीडियो बना के डाल दो, और कुछ थोड़े दिन पहले की बात है तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि शर्मा जी अरे वो पानी लगाएं कि नहीं लगाएं, हमने कि देखो भाई ज़्यादातर लोगों से मैंने मना किया कि जिनके आलू 90 दिन के हो गए वो पानी नहीं लगाएं, क्योंकि खुदाई करेंगे तो फिर क्वालिटी नहीं आएगी, फिर उसके बाद दोस्तों बारिश ही होगी खुदान खास्ता, और जिन लोगों ने पानी लगा दिया था उन खेतों में जो मान लेना जो बेड होते हैं वो फ्लैट से हुए हैं, क्योंकि भाई नमी में नमी मिल जाएगी तो आप समझ रहे हो उससे नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि 100 दिन का जिनका आलू हो गया वो किसी दुकानदार के पास नहीं जाए, किसी के पास जाए नहीं, खेत में लेट ब्लाइट या कोई चीज़ अगर अब जाके शुरुआत हो रही है तो 10 दिन में वो कुछ, तब 2-4-6 दिन में जब तक पौधा मरेगा तब तक वो अपना काम कर लेगा, पौधा आलू फुला लेगा, फूल जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा उस्तादी नहीं करें, पहले ही लोग 4-4 स्प्रे लगा चुके हैं, 3-3 स्प्रे, उसके बाद भी अगर सोच रहे हैं कि ये लगा दो वो लगा दो तो नुकसान ही होगा, फ़ायदा होगा नहीं। तो इसलिए दोस्तों मैं तो यही चाहता हूँ आप सब लोगों का कम लागत में अच्छा उत्पादन हो जाए, और सबसे बड़ी चीज़ बार बार मैं हर वीडियो में यही कह रहा हूँ, कोल्ड स्टोर्स में बारदाना वगैरह इस समय किसान ले आ रहे हैं, हर चीज़ है, पर अपने बढ़िया कोल्ड स्टोरों का चुनाव करें, अच्छे कोल्ड स्टोर में आलू रखें, पुराने देखो जिन लोगों ने पिछली साल किसानों के साथ जिन कोल्ड स्टोरों ने जो किसी ने आलू बेच लिया, किसी ने कुछ ड्रामा किया, तो वो लोग इस साल अगर आएंगे जरूर आप लोगों के पास कि आलू रखो हमारे स्टोर में, तो उनको बताओ कम से कम कि आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है, और पक्की पर्ची कभी भी कोल्ड में आलू रखें पक्की पर्ची लें, ठीक है, यही मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आज का वीडियो बनाया जल्दी में। वैसे आज मेरा विचार नहीं था वीडियो बनाने का, पर लोगों ने बार बार मेरे पर सुबह से 7-8 फोन आए कि शर्मा जी 100 दिन का आलू हो गया फूला नहीं, क्या करें, टबोली लगा दें, कोई कह रहा कल्टार लगा दें, कोई कह रहा ये लगा दें, कोई लगा दें, भाई कुछ मत लगाओ, ठीक है, लगाने के लिए मैं तो कभी मना नहीं करूँगा, लगाते रहो, कोई दुकानदार तुमसे मना नहीं करेगा, पर उसका कोई बेनिफिट होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, धन्यवाद। अब देखो दोस्तों, मैं आप तो लोगों को दिखाऊँ जो कंडीशन आलू की इस समय, ये पीलापन खेतों में आ चुका है पूरी तरह, देखो
ये मेरी ही है खेत करके, और पास देखो ये घर है, ये देखो ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन पे आल अगर एकदम स्वस्थ है तो अभी और 4 से 10 दिन अगर आप नहीं कटवाएंगे, लोग 4-5 दिन तक तो नहीं कट रहे इन खेतों की, तो 4-5 दिन में जितना फूल लेगा उतना फूल लेगा। फिर दोस्तों एक समय सीमा होती है आलू की खुदाई की भी। अब आप ये सोचो कि कुछ लोग ये कह रहे हैं अभी तो शर्मा जी 110 दिन तक आलू फूलता है, तो भाई 110 दिन तक हम लोग आल थोड़ी रख सकते हैं। आप ये बताओ एक चीज़, इसको रखेंगे तो फिर सूखेंगे कैसे खेत। एक बात बताओ, जो देखो आल घेरे पड़ी हुई है ये अब इस समय देखो इनमें खेतों में भी काफ़ी हल्का फुल्का ब्लाइट के दिख रहे थे सिम्टम्स, पर जे है कि कोई दिक्कत नहीं है, मरे नहीं पौधे। अब इनमें आल देखो जो झोरे दिखाई दे रहे हैं, इनमें आल दिखाई दे रही है, तो ये क्या सूखने देंगे? ये एकदम हरी रखी है देखो इस साइड तो बिल्कुल, जो पेड़ के नीचे। ये भी दोस्तों ध्यान रखो, गाँव के आसपास के खेतों में हमेशा आलू बढ़िया होता है, ठीक है? तो ये कंडीशन है, आप देख सकते हो, और मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यही एक समस्या है किसानों के लिए कि बार बार टेंशन नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन लोग आ जाते हैं टेंशन में, कि कोई कहने लगता है कि अरे शर्मा जी ये क्या हो गया, अब हमारा आलू फूल नहीं रहा है, और बताओ कुछ 0050 लगा दें, एक बार हम लगा चुके हैं दोबारा लगा दें। तो इसलिए मैंने वीडियो बना के डाला, मैंने कि आप सभी लोगों को पता चल जाए कि ज़्यादा उल्टा सीधा दवाई और इन लगाने से कुछ होता नहीं है, और सब चीज़ समय पर अच्छी लगती है, बेसमय कोई चीज़ बढ़िया नहीं लगती। और देखो दोस्तों हवा कितनी बढ़िया चल रही है, धूप भी बहुत अच्छी निकल रही है, देखो धूप सूरज कितना भयंकर धूप निकल रही है। तो मैंने कि लाओ, मैं कहीं जा रहा था, पर मैंने कि लाओ पहले एक वीडियो बना के डाल देता हूँ, लोगों को जानकारी मिल जाएगी सब लोगों को, तो इसलिए मैंने सोचा आप सभी लोगों को अपडेट करता रहूँ। क्योंकि कुछ लोग बेचारे इंतजार करते हैं, वो जो कहते हैं शर्मा जी वीडियो नहीं डालते हो तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया करो। अब नोटिफिकेशन क्या, मैंने कि लाओ बना एक जानकारी आप सभी लोगों को दे देता हूँ। मेरी दी हुई जानकारी आप सभी लोगों को बढ़िया लगती है तभी सब लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। और दोस्तों इस समय समस्या की बात ये और है, आज देखो मेरा दौरा है, मैं जा रहा हूँ कहीं पे, हो सकता है कि सादाबाद, और आप लोगों को साइड से वीडियो बनाकर आप लोगों को अपडेट करूँ, क्योंकि वहाँ मेरे को जाना भी है, रास्ते मेरा कोई प्रोग्राम भी है, वहाँ जाऊँगा तो फिर मैं रास्ते में आप लोगों को दिखाऊँगा कैसी वहाँ पर फसल है, कैसा चल रहा है वहाँ पर दोस्तों। और इस समय ज़्यादातर सब किसान भाई अपने लगे हुए हैं कामों में, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात बताना मैं भूल गया आप सभी लोगों को, कि संडे को लाइव 11 बजे होगा, कल हो सकता है मैं कहीं बाहर जाऊं तो वीडियो नहीं आ पाए, और वैसे तो जो जहाँ तक है वीडियो कल आएगा, कल मैं फील्ड का दूंगा आप लोगों को विजिट। और कल संडे को दोस्तों 11 बजे का लाइव का ध्यान रखना, 2 दिन पहले मैं बता देता हूँ, आज बता देता हूँ और कल भी मैं नोटिफिकेशन बता दूंगा लाइव के बारे में, तो लाइव का विशेष ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। और दोस्तों वो और एक महत्वपूर्ण सूचना किसान भाइयों के लिए, कि जैसे ये जो इस समय बीज की बुकिंग चल रही है दोस्तों कंपनियों की, तो अनाप शनाप उल्टी सूदी रेट कंपनियों ने खोली है, तो जिन लोगों को इस साल सीड बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो वही बुकिंग कराएं, बाकी किसी को बुकिंग कराएं नहीं, अगली साल बुकिंग कराएं, क्योंकि इस साल पंजाब में नुकसान की वजह से बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है सीड की। ये धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।